Hello, my dear students. Good morning to all. Today's date is 4 December 2020. Subject Social Studies, Class 5, Book Timetables. My dear students, we're reading the chapter 18, Working of the United Nations. हम लोग Working of the United Nations chapter के बारे में पढ़ रहे थे. आज हम लोग Specialized Agency of the United Nations के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? The Specialized Agencies of the United Nations are the agencies that work on economic, social, health and environmental problems of the world by helping the countries which are facing these problems. Okay. Specialized agency. United Nation का कुछ specialized agency है. उनका काम क्या है? उन agency का काम क्या है? उन लोग आपका economic, social, health and environment problems को लेके उस पे काम करते हैं. Okay. और जो भी country ये सबसे problems अब face कर रहे हैं, जो भी country जहाँ पे economic, social, health and environmental problems हो रहा है, उस प्रॉब्लम्स को स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्या करते हैं, सॉल्व करने में मदद करते हैं. ओके, उन कंट्रीज का मदद करते हैं जिससे कि उनका जो इकोनॉमिक, सोशल या हेल्थ या फिर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए, राइट? उनका वो प्रॉब्लम आसानी से सुलझ जाए. तो वो सब काम कौन करते हैं? स्पेशलाइज एजेंसी है किसका? यूनाइटेड नेशन का. ओके, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन. कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. जैसे देखिए, द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, जिसे हम यूनिसेफ भी बोलते हैं. यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, जिसे हम यूनिसेफ भी बोलते हैं, इनका काम क्या है? वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन. इनका काम क्या करते हैं इन लोग डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन, किसका डेवलपमेंट प्रोटेक्शन करते हैं? चिल्ड्रन एंड वुमेन का. यूनिसेफ जो कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड है, इनका काम है चिल्ड्रन और वुमेन का डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन का काम है इनका, ठीक है? इन लोग उस काम को देखते हैं. द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इनका काम क्या? वर्क्स टू इम्प्रूव एजुकेशन स्टैंडर्ड एंड प्रोटेक्ट द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट अक्रॉस द वर्ल्ड. इनका काम क्या है? इन लोग एजुकेशन स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करते हैं और इन लोग प्रोटेक्ट करते हैं. क्या चीज़? हिस्टोरिकल एंड कल्चर साइट्स को. जितना भी वर्ल्ड में जितना भी कल्चरल और हिस्टोरिकल साइट है उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं और वर्ल्ड का एजुकेशन स्टैंडर्ड को इन लोग इम्प्रूव करते हैं. कौन सा एजेंसी? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ILO, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ILO हेल्प पीपल फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू वर्क एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वर्कर. ILO क्या करता है? आपका आदमियों जितना भी पीपल है वर्ल्ड में उन सबको अपॉर्चुनिटी काम करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं और उनका जो राइट है एज अ वर्कर, जो उनका हक है उसे प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? एज अ वर्कर जितना भी लेबर है उनका राइट को प्रोटेक्ट करता है और उन्हें काम देने के लिए अपॉर्चुनिटी उन लोग क्रिएट करता है. ओके, टू वर्क, अपॉर्चुनिटी टू वर्क कौन करता है? ये इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या? वर्क्स टू प्रमोट हेल्थ ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड. इन लोग क्या काम करते हैं? जितना भी डिजीज हो, जितना भी बड़े बड़े बीमारी हो, उनको किस प्रकार से पीपल लोग को प्रोटेक्ट किया जाए उस बड़े बड़े बीमारी से, उनके ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम करता है रिगार्डिंग हेल्थ. ओके, वर्क्स टू प्रमोट हेल्थ ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड. तो ये है आपके स्पेशल एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन. तो क्या क्या स्पेशल एजेंसी है? यूनिसेफ जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड. उसके बाद है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और ILO इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो हम चाहते हैं घर में स्पेशलाइज्ड एजेंसी के बारे में पढ़े और पढ़ के आप समझने की कोशिश करें. थैंक यू.